का नारा शहीद आजम भगत सिंह लगाते थे, जब उनके साथ चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला, जब उनके साथ राजगुरु सुखदेव उनके साथ थे, रामकुमार बिस्मिल उनके साथ थे। इस इनकलाब की अब फिर जरूरत पड़ गई है। देश का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, तानाशाह लोग आ गए हैं, वो चाहते नहीं है कोई और हो। विपक्ष को अंदर कर दो, जेल में डाल दो, ईडी भेज दो, उनके खाते बैंक अकाउंट सील कर दो, ये चल रहा है भाई साहब। चेत्र भाई साहब आपके कैंडिडेट हैं, इन्होंने आदिवासियों के लिए एक लड़ाई लड़ी, फॉरेस्ट वाले आ गए थे किसी किसान की जमीन को छीनने, उन्होंने उस पर जो फसल थी वो नष्ट कर दी कि ये फसल जो है आपने गलत बीजी है, ये फॉरेस्ट की जमीन है। चेत्र भाई ने क्या किया, उन फॉरेस्ट वालों को वहीं पे रोक के इकट्ठे करके लोगों को एटीएम से पैसे निकलवा के किसान को दे दिया, जितनी तेरी फसल नष्ट हुई है तेरे पैसे मिलते हैं, इनको उठा के जेल में फेंक दिया भाई साहब, इनको उठा के जेल में फेंक दिया, इनकी पत्नी को जेल में फेंक दिया, अरविंद केजरीवाल को जेल में फेंक दिया। अरे अरविंद केजरीवाल, चेतर बिसावा, ये एक व्यक्ति नहीं है, ये सोच है मोदी जी। व्यक्तियों को तो जेल में फेंक दोगे, लेकिन उनके द्वारा फैलाई हुई सोच को कहां गिरफ्तार करोगे, कैसे गिरफ्तार करोगे? अभी एक खुशखबरी देना चाहता हूं आपको, जो पहले दो राउंड हुए हैं 190 से ऊपर 192 सीटों पर चुनाव हो गया है, आपको इस बात की खुशखबरी देना चाहता हूं, इन दो राउंड में ही बीजेपी की हवा निकल गई है। इस बात का अंदाजा मुझे, मुख्यमंत्री हूं, मुझे पता चलता रहता है इंटेलिजेंसी से, अफसर भी बहुत दुखी हैं, वो भी बधाई देते हैं मुझे कि जी हमारा पीछा छुड़वा दो इनसे, जालिम लोग हैं, किसी को बर्दाश्त नहीं करते, नफरत की राजनीति करते हैं। पहले और दूसरे राउंड में बीजेपी को सीटें आ रही हैं 192 में से 40 से 50, इंडिया गठबंधन को आ रही हैं 110 से 120। इसीलिए मोदी जी के भाषण की टोन बदल गई, अब 400 पार नहीं, बेड़ा पार हो जाए वही बहुत है, अब कोई 400 पार नहीं, अब तो बेड़ा डूब रहा है, बेड़ा ही पार नहीं हो रहा, इसीलिए भाषण की टोन बदल गई। भाई साहब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, दुकानदार बैठे हैं, व्यापारी बैठे हैं, भाई साहब मुझे ये बता दीजिए, 10 साल देश पर राज किया, लगभग विपक्ष है ही नहीं था, जो था उनको जेल में फेंक देते थे, जब पार्लियामेंट से बाहर कर देते थे, सस्पेंड कर देते थे पार्लियामेंट से, कोई भी कानून मर्जी से पास कर लेते थे। अरे 10 साल में आप एक भी काम गिनवा नहीं पा रहे, 10 साल के बाद एक भी काम नहीं गिनवा पा रहे वोट लेने के लिए, 10 साल के बाद भी अगर मंगलसूत्र पे नाम पे वोट मांगने पड़ रहे हैं तो यह शर्म की बात है प्रधानमंत्री के लिए। कोई स्कूल बनाया, कोई अस्पताल बनाया, किसी को नौकरी मिली ना, ये काम नहीं करना, नफरत करनी है बस, नफरत फैलानी है। पार्लियामेंट में मैंने बोला था जब मैं एमपी था, ये समाज को बांटने वाली बातें कर रहे थे, बिल ला रहे थे, डेढ़ डेढ़ घंटे का भाषण दिया जा रहा था उनकी तरफ से, बीजेपी वालों की तरफ से, मैंने कहा जी मुझे भी टाइम चाहिए, स्पीकर ने कहा तुम अकेले एक ही हो, छोटी पार्टी को टाइम नहीं मिलेगा, मैंने कहा जी मैंने भी बोलना है, कहते नहीं बहुत टाइम हो गया, 9:30 रात के बिल पास करना है, मैंने कहा जी 30 सेकंड दे दो, तो स्पीकर थोड़ा चौंका, 30 सेकंड, मैंने कहा हाँ जी 30 सेकंड में क्या बोलोगे तुम, मैंने कहा जी 20 दे दो, 20 सेकंड, मैंने कहा हाँ जी, मैंने कहा इनका 1.5 घंटा, मेरे 20 सेकंड देख लेना, कहते चल ठीक है आपका समय शुरू होता है अब। तो मैंने पार्लियामेंट में कहा, मैंने कहा लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए, एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। सो ये देश को बांट रहे हैं भाई साहब, नफरत फैला रहे हैं समाज में, ये समाज है, ये वो समाज है, अरे भाई साहब ये गुलदस्ता है हमारा देश, और गुलदस्ते में हर रंग का फूल होता है और हर फूल का अपना रंग होता है, अपनी सुगंध होती है, ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं गुलदस्ता भगवे कलर का ही हो बस, एक ही रंग के फूल हो भगवे कलर के बस। अरे एक ही रंग के फूल वाला गुलदस्ता आप देख नहीं पाओगे 2 दिन से ज्यादा, उस गुलदस्ते की खूबसूरती यही होती है कि उसमें अलग अलग किस्म के रंग होते हैं। गुजरात का अपना कल्चर है, पंजाब का अपना कल्चर है, असम का अपना कल्चर है, तमिलनाडु का अपना कल्चर है, बंगाल का अपना कल्चर है, तरह तरह के कल्चर है। ये कहते ना ना ना, जो हम चाहते हैं वही हो, ऐसा नहीं हो सकता, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ चल रहा है,
मोदी जी कहीं भी किसी भी बात को कहीं भी जोड़ के कह देते हैं मेरी गारंटी है। चंद्रयान लॉन्च करने के लिए गए, कहते इसरो से मेरा पुराना नाता है। मैं भी बहुत हैरान हो गया। मैंने कहा पढ़ाई लिखाई में तो पता ही नहीं कितने पढ़े हैं, लेकिन इसरो से कैसे नाता हो गया? ये तो पढ़े लिखे लोगों का काम होता है भाई। कहता है मेरा इसरो से बहुत पुराना नाता है। मैंने कहा यार कैसे नाता है, अब जोड़ेंगे नाता? मैंने कहा किसी ना किसी तरीके से। कहता जब मैं दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ता था, पढ़ाई लिखाई में ठीक ठीक ही था, इसलिए हर टीचर मुझे आके बोल देता अब तू इसरो में बैठ, अब इसरो में, इसरो से मेरा पुराना नाता है। कुछ भी बोल देते हैं यार। मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं पार्लियामेंट में। मैंने बोल दिया, सामने बैठे थे मेरे, मैं कौन सा डरने वाला हूं, हमने कौन सा कोई पाप किया है, भेज दो ईडी, भेज दो सीबीआई। मैंने कहा पार्लियामेंट में, मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। मोदी जी हर बात ही जुमला निकली, अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है? मुझे लगता है वो भी नहीं आती होगी, चाय भी बनानी आती होगी भाई साहब, चाय भी नहीं बनाई होगी, वो स्टेशन बाद में बनाया। मोदी जी चाय पहले बेच गए वहां पर, पतंग तो जो रेल पटरी बना रहे थे उन मजदूरों को बेच गए होंगे चाय। कहते छोटा बच्चा था जो छोटे होते रेल में चाय बेचता था, बड़े होकर उसने रेल ही बेच दी, तेल बेच दिया, भेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, कुछ नहीं छोड़ा भाई साहब, पूरा देश बेच दिया भाई साहब। अब बचाने के लिए आपके पास 7 तारीख का दिन आया है, 7 तारीख को 11 घंटे मिलेंगे पब्लिक को, अगला 50 साल का देश का भविष्य बचाने के लिए आपके पास 11 घंटे हैं। 7 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक होशो हवास में जाना, फैमिली के साथ जाना, दोस्तों के साथ जाना, वोट डाल के आना। और देखो भगवान रब वाहेगुरु खुदा जब कोई कर्म करता है तो ऐसे हो जाता है, मशीन में बटन जो जाओगे ना 7 तारीख को बटन दबाने, उस मशीन में बटन भी पहले नंबर पर है चेतर का, और आना भी पहले नंबर पर है भाई साहब। दूसरा और तीसरा बटन दूसरी पार्टियों का है भाई साहब, काला मोतिया हो जाएगा आंखों को, देख नहीं माता उसकी तरफ। जैसे ही एक नंबर का बटन दबाओगे मशीन में से एक आवाज आएगी टी ऐसे, असल में वो मशीन की आवाज नहीं होगी, बीजेपी वालों की चीखें होगी वो, या आपकी मर्जी है कितनी चीखें निकलवानी है उनकी। तो भरूच से खबर आए 4 जून को, जैसा कि कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट साहब ने बोला कि भरूच से खबर आए कि भरूच से चेतर भाई बसावा लाखों मतों से आगे, अब सिर्फ ऐलान बाकी है। ये बात करने के लिए आपके पास, मेरे पंजाब में इलेक्शन है 1 जून को है, पंजाब में 13 सीटें हैं लोकसभा की, और खुशखबरी यह है कि पंजाब में बीजेपी की 2 थी और इस बार 2 भी नहीं आ रही, 13 की 13 अमन पार्टी आ रही। मुझे पत्रकारों ने पूछा कि आपने दिल्ली और पंजाब में ये मोदी जी की आंधी को कैसे रोक दिया? मैंने कहा रोकना क्या, दिल्ली में कहते जी 63 हैं 70 में से, और पंजाब में 117 में से 92 हैं, पर आम आदमी पार्टी के 2 हैं बीजेपी वाले, चाहे तो स्कूटर पे बैठ के भी विधानसभा आ सकते हैं, तो कहते कैसे रोका? मैंने कहा सीधा सा फार्मूला है भरूच वालों, वही फार्मूला आपको बता देता हूं, सीधा सा फार्मूला है। भाजपा का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल। आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? झाड़ू। कमल का फूल कहां उगता है? कीचड़ में। झाड़ू क्या काम करता है? कीचड़ की सफाई। तो कीचड़ की सफाई कर दी दिल्ली और पंजाब में झाड़ू ने, कमल उगई नहीं। सो इस बार चेतर भाई का चुनाव चिन्ह झाड़ू है, और कांग्रेस इंडिया गठबंधन की तरफ से सबको अपील की गई है, संविधान बचाने की इलेक्शन है, बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान बदल देंगे, ये राष्ट्रपति शासन ला देंगे, ये देश में इलेक्शन करवाना बंद कर देंगे। इतना अहंकार हो गया, अहंकार हो गया इनको, किसी को नहीं बख्शते, अपने वालों को भी नहीं बख्शते, इसलिए देश को बचाना है, इलेक्शन को बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है।